हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, तो स्वागत करते हैं डी आराधना की दुनिया में। तो मेरी दुनिया में मिल लीजिए मेरी काली माँ से, इसका तबीयत दस खराब है, और चीकू रानी से। तो चीकू रानी अपना चूहा का इंतज़ार कर रही है। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आज ना हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ कैमरा रख देते हैं। मेरा ट्राइपॉड जो था वो कम दाम का था तो टूट गया। कल आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो हम डाले थे, आरती छोटू का जो प्रेम कहानी चल रहा है, जो छोटू का मर्डर हुआ, और ये रूप तारा जी का छोटा सा एक 10 सेकंड का, अंतिम में 10 सेकंड का वीडियो था, वो कटिंग करके हम डाले थे। ऐसा जिसमें थंबनेल लिखा हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था, लेकिन हम फिर भी ऐसा क्लिकबेट किए थे ताकि हमारा वीडियो पे क्लिक हो। लेकिन हमारा ऐसा कोई अथी नहीं था, किसी को हर्ट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। उसके लिए अगर किसी को हर्ट पहुंचा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये टॉपिक ये है कि मेरा एक साल, जैसा कि आप लोगों, बहुत सारे लोग हैं जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, जो जानते हैं कि मेरा नाम आराधना है और एक हम वीडियो हैं, मतलब विधवा, और हम अकेले रहते हैं, अकेले रेंट पे रहते हैं, ना ससुराल वाले का सपोर्ट है ना मायके वाले का सपोर्ट है। अपना गुजारा किसी तरीके कर रहे हैं, घीच तीर के ज़िंदगी कट रही है लगभग ये 6-7-8 सालों से। मेरे हस्बैंड को गए हुए 8 साल हो गया, मेरी शादी का लगभग 13-12 साल हो गया, होने वाला है। और पटना में हम लगभग 4-5 साल से रह रहे हैं अकेले। तो मेरा बताने का आज रीज़न ये है कि सभी एक साल मेरे चैनल बनाए हुए हो गया, एक साल जनवरी में हम 1 जनवरी को चैनल बनाए थे, 1 जनवरी आएगा तो मेरा एक साल चैनल बनाए हुए हो गया। एक साल से लगभग हम रेगुलर वीडियो पर डे वीडियो डाले, लेकिन इधर 2-3 महीने से मेरा थोड़ा सा टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया इसके कारण, और थोड़ा सा मन छोटा हो गया कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है मेरा कोई वीडियो का, मतलब हमें कोई देखना नहीं पसंद करते, तो इसलिए बहुत कम कर दिए वीडियो बनाना। बहुत रोना आता है कि क्या मेरे में इतना भी क्वालिटी नहीं है कि हम, मेरे को कोई देखे मेरा अच्छा वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप लोग देखना चाहते हैं, वो हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब वीडियो पे क्लिक ही नहीं मेरा होता है। हम तो बस इसलिए हम कल उनका 10 सेकंड का वीडियो और उस तरीके का थंबनेल डाले थे ताकि मेरा वीडियो पे कितना क्लिक आता है। तो इससे ये पता चला कि मेरे को कोई पसंद नहीं करते, दूसरे का थंबनेल लगा दिए, दूसरे का नाम का थंबनेल फेस वैल्यू लगाएं तो मेरा 1000 लोग से ऊपर देखें वीडियो को। ऐसे मेरा वीडियो का ब्लॉग वीडियो पे 200 से ज़्यादा लोग कभी देखे ही नहीं, वो भी 2-3 वीडियो ही मेरा 200 लगभग गया है, और 200-250 से नीचे ही रहा है 2-3 वीडियो पे, एक भी, और 2-3 वीडियो से ज़्यादा एक भी वीडियो पे मतलब 200 से ज़्यादा गया ही नहीं, 10-20-40 ऐसे ही व्यूवर्स आते हैं मेरे वीडियो पे। हाँ, हम जानते हैं कि मेरा वीडियो में कोई मसाला नहीं रहता, कोई ड्रामा नहीं रहता, जो हम करते हैं सीधा वही दिखा देते हैं, जो ड्रामा कुछ नहीं रहता कि हाँ 4 आदमी है तो कोई कुछ ड्रामा कर रहा है, तो कोई कुछ ड्रामा कर रहा है, तो कोई कुछ नौटंकी किया, इस तरीके का मेरे वीडियो में नहीं रहता है। ना कोई मसाला रहता है कि हम यहाँ गए घूमने, आज वहाँ गए घूमने, आज ऐसा है, आज ये करने वाले कल, नहीं, मेरे वीडियो में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि हम क्या दिखाएं, किसके साथ जाएं, कहाँ जाएं, क्यों करें,
क्या नहीं करें, हमको कुछ पता नहीं है। पता नहीं है कि है पता, लेकिन किस क्या कैसे, मेरा उतना मेरा इनकम नहीं है उतना कि हम मतलब वो दिखाएं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ब्लॉग पे आ गए बनाने के लिए, नहीं, हम पहले स्टार्टिंग किए थे बहुत सारे, लगभग 10-12 चैनल बनाए। 10-12 चैनल में हमने कोशिश किया कि दूसरे दूसरे टॉपिक पे हम वीडियो बना के, कंटेंट बना के अपना जितना क्वालिटी है वो दें। हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मेरे में जो क्वालिटी था, जितना क्वालिटी था हमने देने की कोशिश की, लेकिन वो भी वीडियो नहीं चला। हम ऐसे वीडियो YouTube पे, वीडियो YouTube से कमाया जाता है ये 5-6 साल से जानते हैं, लेकिन 3 साल से हमने कोशिश किया इस पे काम करने की कि नहीं हमको कुछ करना है, कुछ इनकम करना है YouTube से, क्योंकि हमें होम सिकनेस की ज़बरदस्त बीमारी है। हमको कहीं बाहर जाने का इच्छा नहीं करता, कहाँ बाहर जाने, घूमने के नाम से हमें मतलब हमको पसंद नहीं है घूमना। हम वीडियो चैनल पे YouTube पे क्यों आए, YouTube पे आए थे हम, अभी आए हैं पैसे कमाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमको बाहर जाके काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाहर जाना ही पसंद नहीं, काम करने की बात अलग हो जाती है। इसलिए तो हम सोचे कि चलो घर में ही रह के YouTube पे कुछ काम करके कुछ इनकम हो जाता है तो मेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन ये भी सपना टूट गया। एक साल में 3-3.5 मतलब 400 भी अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 399 सब्सक्राइबर है मेरा, वो भी बहुत एक साल में, तो बहुत अपने आप पे बहुत हर्ट होता है कि मेरे में क्वालिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे में, हम कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे से नहीं होने वाला, मेरे में कुछ क्वालिटी ही नहीं है तो हम कर क्या सकते, कुछ भी नहीं होगा मेरे से। अकेले क्या करें, अकेले कहाँ से वीडियो बनाए, कैसे वीडियो बनाए, क्या मसाला डालें, हमको नहीं पता है, लेकिन नहीं हो पाता है अकेले। बहुत सारे लोगों के यहाँ कम से कम 2 आदमी रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो बहुत सारा मसाला हो जाता है, लेकिन मेरे पास कोई मसाला नहीं है। क्या मसाला डालें वीडियो में, क्या आपको अलग दिखाएं, क्या अब ये भी धीरे धीरे सपना YouTube का कि ही YouTube से हम इनकम करेंगे वो टूट गया। भरोसा 50-50 अब है, लेकिन हाँ अब नहीं लगता कि हम घर चला सकते हैं ऐसे, तो अब जॉब खोज रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। बात ये है कि यहाँ पे छोटा जगह है और यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। जॉब मिलता भी है तो आपको 4,000-5,000 एक्सेस 6,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, और 6,000 में कुछ नहीं होता। हम बहुत जगह जॉब खोजे हैं लेकिन नहीं मिला, और मिला भी तो 5,000-6,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं एक्सेस उतना। और आप लोग सोचेंगे कि तो यहाँ पे रेंट पे ही रहती है तो यहाँ पे क्यों अलग रेंट लेके रह लो। लेकिन हम जब मेरी कभी हम रेंट पे नहीं रहे, मायके में ना ससुराल में, मायके में भी अपना घर था, ससुराल में भी अपना घर था, और यहाँ रह रहे हैं हम रेंट पे ही रह रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों का घर है जो लगता है कि रेंट पे नहीं रहते, अपना घर में है। बहुत बार आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे कि हम किस तरीके से रहते हैं, तो इस वजह से। और दूसरे जगह जाने पे तो समझ सकते हैं आप लोग कि एक लड़की को किस नज़रिए से देखा जाता है और किस तरीके से सोचता है कि कैसे फंसा ले उसको, कैसे क्या कर दें। तो ये सब वजह से हम डरते हैं दूसरी जगह रेंट लेने से, दूसरी जगह न रहने से। और यहाँ हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ से मेरे जो हैं जान पहचान के ही लोग हैं सब, और यहाँ सेफ महसूस करते हैं हम अपने आप को, लगता है कि नहीं अपने घर में है, अपने तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे कि जो मैम है वो मेरे लिए खाना मतलब हर चीज़ केयर करती है, बहन जैसा केयर करती है कि हाँ चलो बहन है मेरी। हाँ मिलाते कभी वीडियो में उनको लाते नहीं हैं क्योंकि वो आना नहीं चाहती हैं, और 2-3 बार हम खुद उनसे मिले हैं, लेकिन हाँ उनका बेटा आते रहता है। कुछ भी जो भी सामान मेरा होता है
क्योंकि उनका किराना का शॉप है, तो वो हमको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम यहाँ से मैसेज कर देते हैं, वहाँ से सामान वो भेज देती हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ है जो इसके वजह से हम यहाँ रेंट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अपना जैसा लगता है, अपना खुद को सेफ महसूस करते हैं हम, और इसी वजह से सोचे थे कि तो वो जॉब खोज रहे हैं, क्योंकि YouTube से तो मेरा इनकम होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई मसाला कोई ड्रामा नहीं रहता, जो हम मेरा रियल है जो हम दिखाते हैं, रोना धोना हमको नहीं आता है, हम किसी के सामने रो नहीं पाते हैं। कल का जो वीडियो डाले थे उसमें 1000 व्यूअर्स से ज़्यादा आए, ऑडियंस से ज़्यादा आए, क्यों? क्योंकि मेरा भैंस उसमें नहीं था, किसी और का था। मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।